Dear student of class 7th, I am starting your new chapter, chapter number 7, congruence of triangles. Congruence of triangles में मैं पहले आपको करा रही हूँ try this on page number 140. Page number 140 पे आपको कुछ try this दे रखे हैं, जिसमें आपको सबसे पहली condition SSS congruence condition के बारे में बताया हुआ है. What is SSS congruence rule? और इस रूल से आप कैसे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं, दैट इज अ कांसेप्ट. ठीक है, देखो पहले आपने ट्राइंगल लिया ए बी सी पी क्यू आर. ठीक है, इसमें देखो आपका ए बी 1.5 है, पी क्यू भी 1.5 है, बी सी 2.5 है, क्यू आर भी 2.5 है, ए सी 2.2 है, पी आर भी 2.2 है. तो इट मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. जब हमारी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे बोलते हैं एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल. बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल वी कैन कॉन्ग्रुएंट द टू ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर. दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इसमें मेन होता है हमारा नेमिंग का. जहाँ मैंने ये कॉन्ग्रुएंट वर्ड डाला और अगर मेरी नेमिंग गलत है तो मुझे कोई मार्क्स नहीं मिल सकते. कैसे, जैसे देखो ए बी पी क्यू, ए बी और पी क्यू इक्वल है, फिर बी सी एंड क्यू आर, बी सी और क्यू आर इक्वल है, फिर ए सी एंड पी आर, तो मेरा ए सी एंड पी आर इक्वल है. ठीक है, तो ये तीनों साइड जो है आपस में इक्वल है और नेमिंग जो है वो करेक्ट है, देन मार्क्स मिलेंगे आपको. ये जरूर चेक होगा जहाँ आपने कॉन्ग्रुएंट वर्ड डाला है वहाँ आपकी नेमिंग ठीक है या नहीं है. ओके, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ. देखो अब इसमें क्या है आपका, आपकी ये जो साइड है ED, ये किसके इक्वल आ रही है, 3.2 MN के इक्वल आ रही है. ठीक है, ED एंड MN आर इक्वल. आगे देखो EF एंड LM, ये 3 है, ये भी 3 है. उसके बाद डी एफ एंड एल एन, ये 3.5 है, ये भी 3.5 है. तो अब ये भी क्या हो गए ट्रायंगल, ट्रायंगल्स बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल. आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ई डी एफ एंड एम एल एन. ठीक है, ई डी इक्वल टू एम एन, देखो ई डी एंड एम एन 3.2 3.2, डी एफ डी एफ 3.5 है और एन एल एन एल भी 3.5 सेंटीमीटर है. उसके बाद ई एफ एंड एम एल, ई एफ आपकी 3 है और एम एल भी आपकी 3 है, तो सेम पोजीशन पे आना जरूरी है. अगर वो सेम पोजीशन पे एक भी नहीं आ रहा है, इट मीन्स रॉन्ग है. ओके, आगे देखो अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ. सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है फिगर बनी हुई है आप लोगों के लिए, 7.15 फिगर. ठीक है, इस फिगर में क्या दे रखा है, ये ट्रायंगल है जिसको दो पार्ट, दो ट्रायंगल में डिवाइड किया हुआ है और गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी डी इक्वल टू सी डी. ठीक है, ये आपको गिवन है और आपको जो गिवन है वो मैंने लिख दिया, लिखना जरूरी होता है वट एवर बी द गिवन. और जो तीन पार्ट्स दे रखे हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये आपके रिक्वायर्ड टू प्रूव में आएंगे. 141 पेज पे आ गए क्वेश्चन, ये पेज नंबर 141 पे आ गया. वो पीछे वाले जो पार्ट्स थे वो 140 पे थे. ओके, तो ये 141 पे आ गए हैं. इसमें आपको ये गिवन है और जो तीन पार्ट्स आपको दे रखे हैं, स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट इन ट्रायंगल एडीबी एंड एडीसी. इस ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी, गिव रीजन. एंड थर्ड पार्ट, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इज इट इट वाई. ठीक है, तो ये तीनों पार्ट्स के आंसर जो ये रिक्वायर्ड टू प्रूव, तीनों पार्ट्स आपने लिखने होंगे. ओके, मैंने नहीं लिखे हैं. ठीक, अब आप देखो, जब आप स्टार्ट करोगे पहले पार्ट में आपसे पूछोगे अगर स्टेट द थ्री पार्ट्स, स्टेट द थ्री पार्ट्स विच आर इक्वल, तो ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, बी डी इक्वल टू सी डी दे रखा है, क्योंकि डी मिड पॉइंट दे रखा है बी सी का. मिड पॉइंट का मतलब होता है ये पॉइंट जो है इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मीन्स बी डी इक्वल टू सी डी. और ए डी, ए डी हो गई कॉमन, इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है. तो ए डी इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, सेम लाइन है तो ऑटोमेटिकली इक्वल. तो स्टेट द
हमने थ्री पार्ट सेट कर दिया। वेदर द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यस दे आर कॉन्ग्रुएंट, सेकंड पार्ट है आपका, यस दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, साइड साइड साइड, ओके। फिर थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि इज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्या एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो आप बोलोगे यस बाय सीपीसीटी, यस बाय सीपीसीटी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, सीपीसीटी का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो अगर जिस प्रॉपर्टी से, जैसे मैंने एसएसएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, अब उन्होंने मेरे से पूछा तो एंगल की बात है, ठीक है। तो जब मेरे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बचे हुए कोरस्पोंडिंग पार्ट जितने भी हो, वेदर दे आर साइड्स, वेदर दे आर एंगल्स, दे आर ऑटोमेटिकली इक्वल, ठीक है। अगर मैं आगे जो है, अब मैंने आपको अभी पहली कंडीशन बताई है एसएसएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, आगे मैं एएसए बताऊंगी, एसएएस बताऊंगी, तो अगर दो साइड मैंने इक्वल करके एक एंगल इक्वल करके कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो अगर मेरे से तीसरी साइड का पूछा जाएगा, तीसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का पूछा जाएगा, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सीपीसीटी मैं उनको भी इक्वल बताऊंगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है ये दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, एंगल ए एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा। लेकिन मेरे से अभी फिलहाल जो पूछा गया है मैंने उसका आंसर दिया है कि मेरा बी और मेरा एंगल सी इक्वल है, बी और सी सेम पोजिशन पे आ रहे हैं एंगल की, तो दे आर इक्वल, क्लियर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन के आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन में आपको फिगर दे रखी है, इसमें आपको ए सी इक्वल टू बी डी दे रखा है, ए सी और बी डी इक्वल दे रखे, सॉरी ये है ए सी डायगनल एंड बी डी डायगनल, ये इक्वल दे रखे हैं, और साथ में ए डी इक्वल टू बी सी दे रखा है, ये दो चीजें आपको दे रखी है, और आपसे पूछा है कि ये सही है कि ये सही है। अगर मैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला गया है मेरे को, तो मेरे ये ठीक है, ये ठीक है, कौन सा मीनिंगफुल है मेरा, दैट आई हैव टू टेल, ठीक है। तो ए बी सी, नेक्स्ट इज ए बी सी, देखो ए बी, अब मेरा ए बी सी पूछा है और दूसरा पूछा है ए बी डी, ठीक है, ये ठीक है, या फिर ए बी सी एंड बी ए डी ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि दोनों में से मेरा कौन सा ठीक है, ओके। तो देखो ए सी जो मुझे गिवन है, ये दोनों चीजें गिवन है, उनके हिसाब से चेक करूंगी मैं, ए सी मेरा बी डी सही पोजीशन पे आ रहा है, नहीं बी डी, तो ये ना मेरा तो ये सही पोजीशन पे नहीं आ रहा, यही गलत हो गया, अब इसका चेक करो, ए सी बी डी सही पोजीशन पे आ रहे हैं, ए डी नेक्स्ट है ए डी इक्वल टू बी सी, तो बी सी ए डी तो सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, बी सी इक्वल टू ए डी भी लिख सकते हैं इसको, ए डी इक्वल टू बी सी भी लिख सकते हो, पहले ट्रायंगल अगर नाम ये बना दिया तो आप बी सी इक्वल टू ए डी भी लिख सकते हो, तो बी सी और ए डी सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, ए सी और बी डी सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तो दिस वन इज करेक्ट, ओके, वो आपका नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपकी मैंने ट्रायल सारे करा दिया, आपने इनको करके और सेंड कर देना है, पर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो भी सेंड करना, 140 एंड 141 पेज है, ओके, थैंक यू।